कई बार हमारे बीच एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न होता है कि आखिर हम इंसानों का धर्म क्या है। और मैं यदि कहूं कि यदि आप अपने माइथोलॉजी पे झांक कर देखें, जानने की कोशिश करें, तो आपको धर्म क्या है बड़े आसानी से इसका ज्ञान हो जाएगा। एक संदर्भ जो रामायण से है मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, और वह यह था कि भगवान श्री राम वनगमन से पूर्व अपनी माता से आज्ञा लेने जाते हैं, तो कौशल्या जी 14 वर्षों के लिए जब वन जाने वाले प्राण प्रिय पुत्र को मिलती है तो उसे समय लगता है कि वह कहे तो क्या कहे, आशीर्वाद दे तो क्या दे। और बड़ा गंभीर चिंतन के बाद कौशल्या जी ने श्री राम से कहा, हे राघव, तुम जिस धर्म का धैर्य और नियम के साथ पालन करते आ रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही एकमात्र मेरा आशीर्वाद है, इससे श्रेष्ठ और कोई आशीर्वाद तुम्हारे लिए मैं नहीं देख सकती। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही धर्म है, उसे करते जाए। धर्म मार्ग में चलने वाले श्री रामचंद्र जी का पशु पक्षियों बंदर भालू जनजाति आदिवासी भील केवट इन सब ने साथ दिया, और अधर्म मार्ग में चलने वाले रावण को सगा भाई विभीषण ने भी छोड़ दिया। अगर धर्म की परिभाषा इतनी सरल है और आप समझ सकते हैं तो इतने से ही संदर्भ में समझ जाइएगा धर्म क्या है। धन्यवाद।